देखिए सजकर तैयार हो चुका है पूरा फतेहगढ़ राम बरात निकलने के लिए। कितनी उमदा तरीके से रंगीन लाइटें लगाई गई हैं, चारों तरफ झालर का माहौल है। राम बरात के लिए तैयार। हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे अमित कड़ी ब्लॉग चैनल में हार्दिक स्वागत। मैं अमित सिंह आज आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे फतेहगढ़ में जो राम बरात निकल रही है, जिसकी तैयारियाँ जोरों से चल रही हैं, जो कि यहाँ पर कचहरी में जो कचहरी के पास जो स्टेडियम है श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्वर्गीय स्टेडियम, उसके बाद सारे रथ जो राम बरात में निकलेंगे वो आ चुके हैं। तो हम आपको सारे रथों दिखाएंगे कि कैसे राम बरात की धीरे धीरे तैयारियाँ हो रही हैं यहाँ पर, और कितने डीजे हैं, कितनी गाड़ियाँ आई हैं, कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ आई हैं, और कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इसकी यहाँ की जो दो नंबर पे है ये भगवान गणेश का रथ है जो कि एटा से आया है भैया। इस गाड़ी के मालिक हैं भैया जो एटा से लेके आए हैं। भैया कितनी गाड़ियाँ आई हैं आपकी? छः गाड़ियाँ आई हैं। कौन कौन सी हैं जी? अच्छा अच्छा शिव पार्वती की, हनुमान जी की भी है, वैष्णो देवी है। तो ये आपके एटा से छः गाड़ियाँ आई हैं। तो ये छः गाड़ियाँ भैया की एटा से आई हैं। देखिए भैया तैयारी कर रहे हैं, गाड़ी सजा रहे हैं बढ़िया सुंदर सी, जो कि जिस पर गणेश भगवान सवार होंगे। ये गाड़ी शिव राधा कृष्ण भगवान की है। जो अभी लाइट कम होने के कारण, क्योंकि थोड़ा ही शाम भी हो चुकी है, अब बारात की तैयारी हो रही है, तो मुझे समय मिला श्री माता वैष्णो देवी की भी झांकी दिखाई जाएगी इसमें, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं माता के। ये देखिए 28 नंबर की झांकी जिस पर दशरथ जी विराजमान होंगे। अभी लाइट होने के कारण सिर्फ आपको रथ ही दिखा रहे हैं खाली, और जब राम बरात स्टार्ट होगी जो कि एमाशी त्राय से प्रारंभ होकर पूरा नगर भ्रमण करते हुए जो भोलेपुर मंदिर पर जहाँ पर भगवान श्री राम जी का विवाह होगा। अभी हम आपको और गाड़ियाँ दिखाते हैं। ये देखिए खुशी हंस कार जो कि मोटा वेवर मैनपुरी से आई हुई है, इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए तैयार कर रहे हैं भैया, एक गाड़ी हमारे पीछे खड़ी हुई है, तैयारियां चल रही हैं। ये रामलीला के भैया लोग आ रहे हैं। गाड़ी ये है और ये बैंड, ये दादा कहाँ बैंड आया? ये वेवर, अच्छा डीजे, ये डीजे का बैंड, ये वेवर से जो डीजे आई गाड़ी है, कितनी सुंदर गाड़ी है। खैर छोड़िए ना भैया, वीडियो बना रहे हैं उसके बाद दिखाएंगे। बहुत ही वीआईपी गाड़ी बनाई है डीजे की। थोड़ा लेट हो गए भैया, अंधेरे में बहुत सी गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं धीरे धीरे। अभी आपको मेन मार्केट जो हमारा सज चुका है, तो देखिए शिव जी यहाँ पर तैयार बैठे हैं। एक गाड़ी ये है, बहुत ही अंधेरा होने के कारण हम आपको साफ नहीं दिखा पा रहे हैं, मगर जब ये रोशनी में निकलेंगे तो बहुत ही सुंदर सी झांकी लगेगी। अब आपको हनुमान बाबा के दर्शन कराएंगे। ये हनुमान जी महाराज की गाड़ी तैयार हो चुकी है। देखिए ये गाड़ी कितने सुंदर सुंदर रथ यहाँ पर तैयार हो चुके हैं।
क्योंकि ये रथ कितनी बड़ी गाड़ी सजाई है भैया लोगों ने। श्याम बाबा जी का रथ तैयार हो रहा है, राधा कृष्ण जी का रथ तैयार हो रहा है। यहाँ पर उमंग डीजे, जो कि कट्टे गड़काई है, ये देखिए मैनपुरी से डीजे आए हैं, बहुत सी गाड़ियाँ बाहर से आई हैं। तीन गाड़ियाँ किधर है, एक ये है और ये जो राज बैंड जो मेरठ से आया है। देखिए गाड़ी की सुंदरता आगे की, इतनी प्यारी लेजर लाइट के द्वारा, जो कि हम आपको बताना भूल गए, मेरठ और हापुड़ से भी बैंड श्री राम बारात फतेहगढ़ में आए हुए हैं। ये सजकर तैयार हो चुका है पूरा फतेहगढ़ राम बारात निकलने के लिए। इतनी उमदा तरीके से रंगीन लाइटें लगाई गई हैं, चारों तरफ झालर का माहौल है। राम बारात के लिए तैयार फतेहगढ़। आपको बैंड भी दिखाएंगे, बहुत दूर दूर से बैंड भी आए हुए हैं राम बारात में। सेना बताया मेरठ से बैंड आया, हापुड़ से बैंड आए हैं राम बारात में। ठेली वाले आ चुके हैं अपनी ठेली लेके, बारात की दुकानें सज चुकी हैं बारात के लिए, दुकानें सज चुकी हैं कुछ ही क्षणों में। यहाँ पर 8 बजे का टाइम दिया है राम बारात निकलने का, जो अपने निर्धारित समय से प्रारंभ होगी। और आपको हम ये भी दिखाएंगे जहाँ से बारात स्टार्ट होती है, आपको हम वही वीडियो दिखाएंगे। तब तक के लिए जय माता दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।